कीवर्ड के प्रसंग में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो बहुत सुंदर एक दोहा दिया है, प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वटके बैन, चितई जान की लखन तन बिहसे करुणा है। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जब भगवान ने उसके प्रेम से सने हुए, प्रेम से लिपटे हुए, अटपटे से शब्द सुने, तो वो लक्ष्मण जी और जानकी जी सीता जी की तन की तरफ देख करके बिहसे, वो करुणा निधान थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं। और वो मुस्कुराहट कैसी है भगवान की? हल्की सी व्यंग भरी रहस्यमयी मुस्कुराहट है। तो प्रश्न ये है कि भगवान जब केवट उनसे जबरदस्ती कर रहा है कि मैं तो आपके पैर धोकर ही नाव में चढ़ाऊंगा, तो वो लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देखकर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कुराहट या थोड़ी सी व्यंग भरी मुस्कुराहट से क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? क्या याद दिलाना चाह रहे हैं? केवट पिछले जन्म में एक कछुआ था जो क्षीर सागर में पहुंच गया, और उसने जब भगवान को देखा तो इतना मोहित हुआ कि अपना उद्धार करने की इच्छा से प्रभु को एक बार उनके चरण छूने के लिए, प्रभु को छूने के लिए वो पहुंचा। जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान शेषनाग की शैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, और शेषनाग जी ने अपने फन से उनके सिर पर छाया कर रखी है। अब वो बेचारा जैसे ही चरणों की तरफ वो कछुआ बढ़ा, लक्ष्मी जी ने उसको अपने हाथ से उसको दूर झटका दिया, हल्की सी चोट पहुंची। उसने सोचा कि ये यहां से चरण नहीं छूने दे रही, वो सरहाने की तरफ से भगवान के को टच करने के लिए बढ़ा। जैसे ही बढ़ा, शेषनाग जी ने अपना एक फन से खटाक चोट मारी और फिर भगा दिया उसको। उसने फिर लक्ष्मी जी के वहां से ट्राई किया, पैरों के वहां से, फिर लक्ष्मी जी ने हाथ से झटका के भगा दिया। ऐसे चलता रहा, और कछुआ ने इसी इच्छा में कि एक बार छूने को मिल जाए, उसी जगह चोट खा खा करके बेचारा कछुआ मर गया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस जन्म में वो केवट बन गया, और अब भगवान कह रहे हैं हमें गंगा पार करा दो, और वो कह रहा है करा तो दूंगा, पर जैसे तुम्हारे चरणों की रज से ऋषि पत्नी शिला से नारी बन गई, ऐसे यदि मेरी नाव बन गई तो मैं तो आप भी गंगा पार ना कर पाओगे और मेरा भी परिवार भूखा मर जाएगा, मुझे और कोई काम धंधा आता नहीं है। यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू, कोई और काम जानता नहीं मैं, इसलिए पैर चरण धोने दो और पहुंचा दूंगा। अब भगवान देख रहे हैं मुस्कुराकर, देख लो तुमने इसे पैर छूने नहीं दिए थे और आज ये लूट के छू रहा है। अब भगवान ने जब रजामंदी दे दी अपनी, अब केवट ने पैर छूने शुरू करे। केवट गंगा का पानी कठोरता में भर के और भगवान के चरण छू रहा है, मल मल के धो रहा है। अब इतनी तेज तेज धोने लगा कि भगवान के पैर हल्के डगमगाए। भगवान बोले, अरे भैया एक तो देर हो रही है, जल्दी कर। अब जल्दी जल्दी के चक्कर में और तेज तेज धोने लगा, तो भगवान ने कहा, अरे भैया धीरे कर, मैं गिर जाऊंगा। बोला, गिरोगे नहीं, पैर तो मैं हिला रहा हूं आपके, माना, तो आप एक काम करो, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख लो और सहारा ले लो। भगवान ने ऐसे ही सिर पे हाथ रख लिए। जब भगवान ने सिर पे हाथ रखे तो लक्ष्मण जी और सीता जी तो देख ही रहे हैं नीचे से, ऊपर से शंकर जी भी देखकर और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। दोस्तों, कुछ संतों से मैंने सुनी है कहानी, कथा सुनी है कि जब भगवान की का विवाह हो गया, सीता जी आ गई, तो लक्ष्मण जी जितना दिल से पहले पैर दबाया करते थे, जितना उनको समय मिल जाता था, उनका दिल खुश रहता था, अब उनको उतने समय भगवान के चरण दबाने को नहीं मिलते थे, क्योंकि सीता जी दबाती थी। तो लक्ष्मण जी कुछ अधूरा अधूरा सा भी महसूस करते थे, और जिस दिन लक्ष्मण जी पहले दबाना शुरू करते थे, सीता जी अधूरा सा महसूस करती थी। अब वो दोनों सोच रहे हैं कि ये चरण धो रहा है, और दोनों हाथों से भगवान के दोनों हाथ इसके सिर पर रखे हैं आशीर्वाद की मुद्रा में, ऐसा सौभाग्य तो उन्हें भी कभी प्राप्त नहीं हुआ था। अब जब पूरी तरह चरण धो लिए केवट ने, तो केवट ने अपना सारा परिवार बुला करके चरणामृत बांटना प्रसाद शुरू किया, लाइन लग गई। लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी सोचा कि भाई हम भी ले लें ये प्रसाद। अब प्रसाद लेने के लिए
भगवान सामने खड़े थे, उनकी हिम्मत ना हुई लाइन में आगे लगने की, तो लाइन में सबसे पीछे जाके लगना पड़ गया। क्योंकि खड़े रहते तो उस चरणामृत के प्रसाद से रह जाते और फिर नंबर आया, सभी ने प्रसाद लिया। जब केवट ने नाव चला दी, अब भगवान ने माता को बिठाया, फिर दोनों भाई बैठ गए और नाव चल दी। और उतरने के बाद बहुत सुंदर प्रसंग, जब भगवान उतर गए पार और केवट से विदा लेने का मौका आया, तो भगवान मनी मन में थोड़े सकुचा रहे थे कि मैं इसको कोई उतराई दे नहीं पाया, मींस इसने मुझे गंगा पार उतारा है और मैं कुछ दे नहीं पा रहा भाई से। तो इतनी सुंदर चौपाई, पिए ही ये की सी ये जान निहारी, पिए ही ये मींस पति के हृदय की बात को जानने वाली, पिए ही ये की सी ये जान निहारी, जानने वाली सीता जी समझ गई और उन्होंने मुदित मन से, प्रसन्न मन से अपनी मुदरी उतार करके भगवान के हाथ में दी। और अब भगवान दे रहे हैं, केवट मना कर रहा है, क्या कह के मना कर रहा है कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके उतराई मेरी जाति न बिगाड़िए। नाई नाई की बाल काटे, एक धोबी दूसरे धोबी का काम करे तो पैसे नहीं लेता, तो मैं आपसे कैसे पैसे ले लूं। भगवान तो मुस्कुरा ही रहे हैं और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई हम तो क्षत्रिय रघुवंशी और तुम मल्लाह, तेरी जाति और हमारे रघुवंश का क्या संबंध। केवट फिर वही बात कह रहा है कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके उतराई मेरी जाति न बिगाड़िए। फिर जो लक्ष्मण जी ने पूछा, केवट कहने लगा, प्रभु मैं गंगा पार कराता हूं और आप संसार जनों को, अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कराते हो, भगवान जब मेरा नंबर आए तो मुझे भी पार करा देना। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े तप, यज्ञ, ज्ञान, वेद पाठ से ही भगवान मिलेंगे। केवट जैसा साधारण इंसान भी एक साधारण सरल हृदय से भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रेम की बातें करके और अपना निर्वाण, अपना मोक्ष सिद्ध कर सकता है।